बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अभिषेक, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कोल्हान यूनिवर्सिटी, झारखंड। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स चैप्टर से है। सॉल्व टू डी स्क्वायर डी डैश माइनस थ्री टाइम्स डी डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश क्यू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यानी जो जेड की वैल्यू मिलेगी, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें देखना होगा ये किस फार्म में है। तो हमने जाना कि ये इस फार्म में दे रखा है, यानी ये आर्टिकल हमें पता होने चाहिए। टू फाइंड ए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए ये आर्टिकल। कंसीडर एन इक्वेशन, एक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखी है जनरल फार्म में, ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी डैश प्लस ए टू डी एन माइनस टू डी डैश स्क्वायर प्लस एन सो वन प्लस ए एन डी डैश एन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, इस फार्म में है। और यहाँ पर अगर जैसे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, उसमें डी एन का जो कोएफिशिएंट है ए एन, वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये टर्म अब्सेंट है, वहाँ पर ये टर्म मौजूद नहीं है। और इसमें डी एन डैश का जो कोएफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं, यानी ये टर्म मौजूद है। तो ऐसे केस में हम पुट करेंगे डी की वैल्यू वन और डी डैश की जगह पर है। और इसमें इन दिस केस, इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फाइंड करेंगे तो फाइव वन एक्स प्लस एम वन वाई प्लस फाइव टू एक्स प्लस एम टू वाई प्लस एंड सो ऑन प्लस फाइव एन एक्स प्लस एम एन वाई की फार्म में ये होगा। तो इसलिए इसका सबसे पहले तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने से पहले इसमें एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होगा। द एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो जहाँ पर भी डी मिलेगा वहाँ पर तो हम एम रखेंगे, तो और जहाँ डी डैश होगा वहाँ पर डी लिखेगा, जहाँ डी मिलेगा वहाँ पर वन लिखेंगे, और जहाँ डी डैश होगा वहाँ पर एम लिखेंगे। तो टू इसके यहाँ पर वन हो गया और डी की जगह पर एम आ गया, तो ये टू एम हो गया माइनस थ्री इंटू डी की जगह पर वन और डी डैश या एम, लेकिन इसका डी डैश का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर डी डैश की जगह पर, चूँकि डी डैश की यहाँ पर हमें एम रखना है, तो यहाँ पर एम का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा। अब हम जो हायर पावर है उसको पहले लिख देंगे और लोअर पावर को बाद में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एम क्यूब माइनस का थ्री एम स्क्वायर प्लस का टू एम इज इक्वल टू ज़ीरो। इनमें से एम को कॉमन ले लेंगे, एम को जब कॉमन ले लेंगे तो एम की वैल्यू एम स्क्वायर आ जाएगा माइनस का थ्री एम आ जाएगा प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसके लीनियर फैक्टर कर लेंगे, इसके हम फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का टू एम माइनस एम प्लस प्लस का टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से एम को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एम को कॉमन लेंगे तो एम माइनस का टू, यहाँ से माइनस वन को कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस का टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इन माइनस है यहाँ पर दो टर्म में, एम माइनस टू यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो एम माइनस टू को जब कॉमन लेंगे तो एम माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एम की तीन वैल्यू यहाँ से मिल रही हैं, एम बराबर ज़ीरो रखने पर एक टर्म ये यहाँ से मिलेगा, ये एम बराबर वन यहाँ से और बराबर टू ये, एम के यहाँ पर ये थ्री वैल्यूज हमको मिल रही हैं। तो एम की इन तीन वैल्यू से हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू फाइव वन, जैसे कि हमने फार्मूला दिखाया था, यहाँ ध्यान रखें तो एक्स प्लस एम की जगह पर एम वन की जगह पर ज़ीरो है, और इंटू वाई प्लस का फिर आएगा फाइव टू एक्स प्लस का एम टू, एम टू की जगह पर वन आएगा इंटू वाई प्लस फाइव थ्री, और एक्स प्लस एम की जगह पर टू आएगा इंटू वाई। तो अब ये चूँकि ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ओनली फाइव वन एक्स आ जाएगा प्लस फाइव टू एक्स प्लस वाई होगा प्लस फाइव थ्री एक्स प्लस का टू वाई हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ये आ गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें पर्टिकुलर इंटीगल निकालना होता है। पर्टिकुलर इंटीगल निकालना तो वन अपान जो भी ये जेड का जो कोएफिशिएंट यहाँ नज़र आ रहा है उसको यहाँ पर नीचे लिखते हैं, तो ये टू डी डी स्क्वायर डी डैश माइनस थ्री डी डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश क्यूब।
अब चूँकि राइट हैंड साइड में ज़ीरो है, जो भी होता है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखते हैं, चूँकि ज़ीरो है तो टोटल वैल्यू ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पर हम अपने जो भी प्रॉब्लम थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस द जनरल जनरल सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ जेड इज इक्वल टू होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हमने जो भी निकाली तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू थी फाई वन एक्स प्लस का फाई टू, एक्स प्लस वाई प्लस का फाई थ्री, एक्स प्लस का टू वाई, और कम्प्लीमेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो आ गई थी। इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वा अकरुद्दावाना अलहमदुल्लाहि रब्बिल आलमीन।